मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। दुनिया के नक्शा पहनकर दुनिया में कोने कोने तक सुसमाचार प्रकट किया हुआ एक मिशनरी भाई का बारे में आज सुनेंगे। उन्हीं का नाम है जॉर्ज वरवर। जॉर्ज वरवर का जन्म 1938 में अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। जब वे 14 साल के थे तब डोरोथिया क्लैप नाम की एक महिला ने उन्हें यूहन्ना के सुसमाचार की एक किताब दी थी। क्लैप नाम की औरत ने 18 साल तक जॉर्ज के स्कूल के छात्रों के लिए यीशु चेला बनाने और उनका संदेश पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए प्रार्थना की। 3 साल बाद जॉर्ज वरवर ने न्यूयॉर्क शहर में बिली ग्रहम की बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने मसीही के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिबंधित की। तब उनका पूरा जीवन बदल गया था। शिष्य बनाने के लिए यीशु के आदेश से प्रेरित होकर जॉर्ज वरवर ने दोस्तों के साथ अपने विश्वास को साझा करना शुरू किया। एक ही वर्ष के भीतर 200 लोग ने मसीही का काम करने के लिए निर्णय लिया था। टेनिस जगह में कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोझ बन गए जिनकी बाइबल तक पहुंच नहीं थी। और 1957 में उन्होंने और 2 दोस्तों ने मेक्सिको की सड़क ट्रैक्ट्स बांटने की यात्रा के लिए अपनी कुछ संपत्ति बेच दी। 20,000 स्पेनिश भाषा में सुसमाचार का पत्र और 10,000 सुसमाचार पुस्तकें खरीद लिया है। इस यात्रा के जरिया से परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ गया और बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार किया था। जॉर्ज वरवर एक बार शिकागो इलिनोइस में मूडी बाइबल स्थानों में संस्थान में गया था। अपने जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट पर निश्चय हुआ था। उन्होंने प्रार्थना की, रातों में दूसरों को प्रेरित करते हुए और आगे नए नियम और सुसमाचार को पत्र बांटने की योजना बनाते हुए विश्व मिशन के लिए एक पत्र प्रशस्त किया। मूडी कलाशाला में ही जॉर्ज वरवर की मुलाकात ड्रेना केंचर्ट से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। 1960 में जॉर्ज वरवर और ड्रेना की शादी हुई थी। उन्होंने प्रभु की अपनी सेवा को प्रथम स्थान दी और स्पेन जाने से पहले मेक्सिको सिटी में 4 महीने की आउटरीच के लिए अपनी शादी के खुद उपहारों और गहनों को बेच दिया, जहां उन्होंने स्थापित किया कि वहां वोएम का काम क्या होगा। वोएम माने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन का संस्था। यूरोप में रहते हुए जॉर्ज वरवर ने साम्यवादी नियंत्रित देशों में बाइबलों की चुपचाप ले जाते थे, लेकिन गिरफ्तार होने और निर्वासित होने के बाद उन्होंने विचार करने के लिए समय लिया। ऑस्ट्रिया के वियना जगह में निजी प्रार्थना के दौरान जॉर्ज वरवर एक पेड़ पर चढ़े और युवाओं के एक समूह को एक बस में सवार होते देखा। उस क्षण मिशन में युवा लोगों के बस लोड को जुटाने के विचार के साथ ऑपरेशन मोबिलाइजेशन नाम उनके दिमाग में आया। जॉर्ज वरवर के अगुवाई के का जरिया से कई देशों के विश्वासियों बढ़ गए और उन्हीं का उत्सुक होकर मदद करना शुरू किया और सुसमाचार बहुत देशों में चले गए। वोयम का विस्तार 60, 70 और 80 के दशक में हुआ, पहले पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में, फिर स्वयं सेवकों के साथ समुद्र में कार्मिक दल जाने वाला जहाज लोगों 5 जहाजों में से पहला 1971 में लॉन्च किया गया था और तब से 39 मिलियन से अधिक लोगों ने ऑनबोर्ड बुक फेयर का दौरा किया है, जिसमें 151 देशों में पोर्ट खेल के दौरान 70 मिलियन से अधिक हिस्से बांटे गए हैं। भारत में भी वोयम का संस्था स्थापित किया। जॉर्ज और ड्रेना अपने 3 बच्चों के साथ लंदन इंग्लैंड में बस गए, जहां जॉर्ज वरवर ने वोयम की बेहतर शिष्यत्व पर जोर देना जारी रखा और संस्था की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। जॉर्ज वरवर ने 2003 तक ऑपरेशन मोबिलाइजेशन संस्था का नेतृत्व किया, फिर विशेष परियोजना पर ध्यान केंद्रित किया। दुनिया भर में हजारों सभाओं में प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, रक्त बहाकर क्रूस पर लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्रिस्तान से तीसरे दिन जी उठा और दूतों के साथ स्वर्ग राज्य में जाते जाते एक वादा किया, मैं दोबारा लौट आऊंगा, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार के प्रसार के उत्साह ने अनगिनत व्यक्तियों और चर्चों को और अधिक जानबूझकर मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। हालेलुया। जॉर्ज वरवर हमेशा दुनिया के नक्शा पहनकर दुनिया के कोने कोने तक यीशु का सुसमाचार बांटते गया और सब के लिए प्रार्थना की। वह दूसरों को प्रोत्साहित करने और पत्र, ईमेल और फोन कॉल के
माध्यम से हजारों दोस्तों और संस्था के भागीदारों के संपर्क में रहने से उत्साहित था। जॉर्ज वर्वर ने कई किताबों लिखी जिनमें रेवल्यूशन ऑफ लव, आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, मिशियोलॉजी एंड कन्फेशन ऑफ ए टॉक्सिक परफेक्शनिस्ट शामिल है। ओएम के संस्थापक जॉर्ज वर्वर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हमें उन्हीं का सेवकाई और उन्हीं का जीवन याद करना जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जॉर्ज वर्वर जी का जन्म 3 जुलाई 1938, मृत्यु 14 अप्रैल 2023, शिक्षा किया था मूडी बाइबल संस्थान, मेरीविल कॉलेज, रामसे हुई स्कूल, संस्थापन शुरू किया ऑपरेशन मोबिलाइजेशन और सेंड द लाइट। आमेन।